और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से ये खबर है जहां पर 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पहलगाम में इस मुठभेड़ को बीती शाम से ही अंजाम दिया जा रहा था, चल रही थी ये मुठभेड़। आतंकवादियों के पास से 3 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। नीरज राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नीरज, 3 आतंकवादी मारे गए? बिल्कुल चित्रा, ये देखिए कल से ये एनकाउंटर चल रहा था पहलगाम में, ये खानबल इलाका है, वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस से, आर्मी और पुलिस के साथ। वहां पे टेररिस्ट बताया जा रहा था कि छिपे हुए थे, तो कल से ही ये एनकाउंटर चल रहा था। आज सुबह जो है इन 3 टेररिस्ट को मार दिया गया है, सेना की तरफ से ये जानकारी आई है। और बताया गया है कि जो इन जो आतंकी हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास से, उनके पास से 3 AK-47 राइफल भी बरामद हुई हैं। हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है कि क्या ये लोकल टेररिस्ट हैं या फॉरेन टेररिस्ट हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये बड़ी कामयाबी है इन 3 टेररिस्ट को मार गिराए जाने में। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो मुठभेड़ कल शाम से ही चल रही थी, फिलहाल वो मुठभेड़ खत्म हो गई है। 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, ये कल की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल शाम से ही एनकाउंटर चल रहा था, सुरक्षा बलों को अब जाकर बड़ी कामयाबी मिली है। 3 AK-47 राइफल की बरामदगी भी हुई है, इसके साथ ही 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ये कल की तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ये खबर लगी उसके बाद से ही मुठभेड़ वहां पर शुरू हो गई थी, चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था। तड़ातड़ गोलियों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। बीती शाम से ही मुठभेड़ लगातार जारी थी और अब जाकर सुरक्षा बलों को इस पूरे मामले में कामयाबी हासिल हुई है। कल शाम से चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, जबकि 3 AK-47 राइफल की भी बरामदगी हुई है।